ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका देश की बात में। इस वक्त ये देश की बात चल रही है सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अनजान के साथ में। अतुल जी, जैसा आपने कहा, बिहार चुनाव को लेकर आपने अपनी जो टिप्पणी है वो की है, क्योंकि यहाँ देश की बात चल रही है, इस कार्यक्रम का नाम भी देश की बात है, देश की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत एक महान देश है और बहुत समृद्धशाली देश है। हमारे पास अथाह पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन देश नेता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतियों पर देश नहीं चल रहा है। जिस दिन देश नेताओं की जगह नीतियों पर चलने लगेगा, इस देश के अंदर देश की दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों, किसानों, कमजोर वर्ग के लोग, दलितों, प्रवंचितों, बुनकरों, इन पर खर्च होगा, अशक्त लोगों पर खर्च होगा, हाशिए पर पड़े हुए लोगों के लिए देश की दौलत का इस्तेमाल होगा। थोड़ी देर के लिए शहरों को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए ये जो एक एक लाख अट्ठारह हजार करोड़ हर साल बजट में जिन लोगों को हम टैक्स का रिलीफ देते हैं, जिन्हें टैक्स देना है, उनसे जबरिया टैक्स वसूल करके देश के गांव की तरफ ले जाओगे तो देश की सरहदों की हिफाजत करने के लिए जवान भी वहीं से आते हैं, सड़क पर ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस के जवान भी, किसी आईएएस का आईपीएस का बेटा नहीं आता है, वो एक किसान का बेटा आता है, एक मजदूर का बेटा आता है, एक छोटे दुकानदार का बेटा आता है, एक अध्यापक का बेटा आता है, एक दरिद्र का बेटा आता है, उसको उसका मजबूती होना चाहिए। सिर्फ ये कह देना से कि हम गरीब के घर से आए इसलिए आपकी गरीबी हम दूर करेंगे, ये बहुत बड़ा धोखा है। देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, देश की बात है, जाति और धर्म से ऊपर उठो, इस देश की एकता को बरकरार रखने के लिए सांप्रदायिक तत्वों के को उनके चेहरों को और उनके फन को रगड़ डालो और देश को नियत के आधार पर चलाओ, नेताओं के आधार पर नहीं, देश की नीतियों के ऊपर अपने को मजबूत करो। और नौजवान सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे, देश की एकता बनेगी, मजबूत होगी और देश के दौलत का बड़ा हिस्सा देश के असहाय और हाशिए पड़े पर रहे लोगों के लिए इस्तेमाल हो। और इसलिए कह सकता हूँ कि देश के पास बहुत दौलत है, लेकिन देश के पास आज एक मुनसिफाना निज़ाम नहीं है। देश की दौलत का मुनसिफाना तकसीम होना चाहिए। द जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल वेल्थ इज द नीड ऑफ द आवर। देश की दौलत का न्यायिक वितरण होना चाहिए, इसके लिए सोचें, और जो लोग इसके लिए सोचते हों उसके पक्षधर बने। ये मत देखिए कि किसके पास घोड़ा है, कौन हेलीकॉप्टर से प्रचार करने आ रहा है, किसके हेलीकॉप्टर में कितने हीरो और हीरोइनें उस पार्टी का प्रचार करने के लिए लगी हैं। इसके पास देखिए तो अगर फटा है या सुंदर कपड़ा पहने न भी हो, लेकिन उसकी नीतियों में अगर जोर है और उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, तो उसके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी इस देश के आम नागरिकों की नहीं। आम आदमी अब नहीं कहता, आम आदमी का शब्द बदनाम हो चुका है। जी जी जी, साधारण लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके साथ खड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, देश की बात में आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने की देश की बात सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अनजान के साथ। उन्होंने अपनी बातों से बताया कि देश का विकास अगर चाहिए तो सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। देश की बात में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।